नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरे ब्लॉग चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं दो तीन दिन से ज़्यादा हो गए, उस दिन तब से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मेरे चोट लग गई थी और ये नहीं बताऊंगी कैसे लग गई। और फिर ऐसा होता है कि ये बढ़ जाती है तो हम लोग इधर उधर पैर रखते हैं, कहीं कहीं कोई चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाते तो हमारे चोट लग जाती है। तो मैं ऐसा सीढ़ियों से फिसल गई थी तो मेरी जो जो पैर है उसमें जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए, ये जो है ये जो गांठ होती है वो गांठ उतर गई थी तो वो चढ़वा के आई थी। तो बड़ी मुश्किल में दो दिन हो गए तो मैं सूट नहीं कर पाई और अभी भी बहुत दर्द है, मैं पैर से चल नहीं पा रही हूँ। मेरे को कोई ना कोई गोदी में उठा के वॉशरूम ले जा रहा है, कहीं कहीं ले जा रहा है। मैं बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं चल पा रही हूँ क्योंकि चढ़ा तो दिया है पर सूजन बहुत है मेरे पैर में अभी और दर्द भी बहुत है। तो दोस्तों ये तो ज़िंदगी है, छोटे मोटे चोटें तो ज़िंदगी में आती रहती हैं और उनसे लड़ना ही हमारी, तो ये तो ज़िंदगी है, ऐसे होता रहता है। छोटी मोटी ज़िंदगी में घटना तो घटती रहती हैं तो कभी ज़िंदगी में अगर आप उसको पकड़ के बैठ जाओ तो ज़िंदगी वहीं रुक जाती है। और वैसे तो मैं इन मैं नहीं हूँ कैसे कि मैं मेरे चोट वोट लग जाती है तो ज़्यादा दर्द होता है तो चुप पड़ी रह जाती हूँ पर मैं सरवाइव कर लेती हूँ, उठ जाती हूँ। और दो दिन से क्या हुआ कि मेरे को टाइम भी बेशक दर्द भी हो रहा था पर मेरे मोबाइल पे इतने मैसेज आ रहे हैं, इतने फ़ोन आ रहे हैं, अब मैं आपको क्या बताऊँ। तो फ़ोन अटेंड भी करना पड़ता है किसी के, कैसे हो, कितनी चोट लग गई हो। सबसे ज़्यादा तो मेरे बहू के ससुराल से आ रहे हैं फ़ोन। भैया मेरे बहू के ससुराल वाले इतना चाहते हैं, क्या बताऊँ, उसके मौसा के फ़ोन, उसके मामा के, बहू के, मम्मी के फ़ोन पे फ़ोन, कितना अटेंड करो भाई, बस करो ना, इतना फ़ोन। ये मेरे फोन पे पैर में लग गई है, जान तो नहीं निकल गई भाई, इतनी फिक्र करना मत, बंद करो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखो कहीं कोई कोई लोग ज़्यादा होते हैं तो कहीं कोई लोग अच्छे होते हैं तो कहीं हमारी बुराई करने वाले भी होते हैं। तो बुराई वालों को तो ये लग रहा होगा कि अरे भैया बड़ा बढ़िया हुआ तो उसको मज़ा आया तो ऐसा नहीं है, ये गलत फहमी पालना बंद कर दें क्योंकि शेर शेर ही होता है, चाहे किस उसके लग जाए फिर भी जब कोई जख्मी शेर उठता है तो बड़ी सर्वाइव के साथ उठता है और थोड़ी बहुत एनर्जी के साथ उठता है वो। तो ये गलत फहमी छोड़ दें, जो बुरे लोग हैं उनसे मैं पूछ रही हूँ, जो मेरे अच्छे हैं तो वो तो अच्छे ही हैं। और हर बुराई होती है तो वहाँ अच्छाई भी होती है और जहाँ, तो दो चीज़ जब नहीं होंगी तो ज़िंदगी में मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, तो बुराई होती है वहाँ अच्छाई भी होती है दोस्तों। तो ये तो थी रिश्तेदारों की जो बात है, तो उनकी बेचारे की प्यार की वजह से मैं फ़ोन नहीं कर पा रही थी और फिर मेरे भी दर्द वगैरह बहुत था, दवा वगैरह ले रही हूँ तो थोड़ा सा परेशानी कम हो जा रही है। और अभी दो दिन से मैंने अभी कपड़े चेंज करे हैं, मैंने बोला आपसे रूबरू हो जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, आपको भी पता चले कि मेरे को क्या दिक्कत हो गई है जो मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ दोस्तों। तो जल्दी मैं आपसे मिलूँगी, जल्दी ठीक हो जाऊँगी। और हाँ, टूटे फूटे पड़े हाथ पैरों से जितना संभव होगा मैं आपको आपसे मिलती रहूँगी, वीडियो बनाती रहूँगी दोस्तों। तो मैं दिखा रही हूँ मेरा पैर, देखिए कैसा है, बहुत सूजन है इसमें और ये गांठ और इधर की साइड की गांठ दोनों निकल गई थी। और सबसे बड़ी क्या बताऊँ, जब उस पर मैं इसको चढ़वाने गई तो उसने अपना, अरे गुंजन रोटी बना रही होगी, पूजा बर्तन वो कपड़ा धो रही होगी, सारे बिजी हैं अभी,
अपने अपने काम, मेरे चोट लग गई है तो भाई बच्चे संभालना, बच्चों को रोटी वोटी बनाना दिक्कत हो जाती है। तो अभी देखिए वेदू सो गया था, फिर जग गया अपने नानू के साथ में। तो दोस्तों फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ कि मैं जल्दी फिर आपसे मिलूंगी और वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, बाय बाय। और एक कोशिश करिएगा मैं जल्दी ठीक हो जाऊं भाई। मेरे को लेटना बड़ा ख़राब लगता है, मैं दो दिन हो गए मैं पागल सी हो गई हूँ लेटे लेटे। चाहे मुझे बुखार हो चाहे कुछ भी हो, मुझे लेटना बिल्कुल भी पसंद